चावल खाए गयो रे, सुगर का तलहारी। ये चरखा, चरखा मतलब कपड़े धागा बनाने वाला नहीं है, हमारा शरीर की उपमा चरखा से दी गई है। और जो हमारा मन होता है, मन कभी थकता नहीं, कभी बूढ़ा नहीं होता, कभी हारता नहीं। तो चरखा बल खाए गए और सुगर का तनहारी, कि इसको चलाने वाला तो एकदम हृष्ट पुष्ट है, सुगर है, लेकिन ये शरीर जो है बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, तो कैसे जाता है। चरखा बल खाए गए और सुगर का तनहारी, चरखा बल खाए गयो रे। हर कजरी बन से साज मंगा, कजरी बन से साज मंगायो चरखा के उनहार, कजरी बन से साज मंगायो चरखा के उनहार, भीमा चरखा के उनहार। सोई ऐसो जड़ दो सुगर पालना, कब हूँ न टूटे जाके तार, कहे सुंदर नारी चरखा बल खाए गयो रे, सुगर का तनहारी। हर नौ महीना में कारीगर ने चरखा किया तैयार, बच्चे का जन्म नौ महीने के बाद होता है। नौ महीना में कारीगर ने चरखा किया तैयार, सोई काम क्रोध मद लोभ मोह के खूंटा लागे पांच, चले नो नो नारी चरखा बल खाए गयो रे, सुगर का तलहारी। जब ये चरखा नया बना था हर कोई हरसाए, जब बच्चा पैदा होता है तो सारे सारे लोग बड़े प्रसन्न होते हैं, तमाम कपड़े लेके आते हैं, खुशियां मनाते हैं, चट्ठौन करते हैं, दावते करते हैं, लेकिन आगे क्या होता है। जब ये चरखा नया बना था हर कोई हरसाए, सो अब ये चरखा हुआ पुराना, ठोकता हले हले जाए उम्र कोई सारी, चरखा बस खाए गए और। जब बुढ़ापा आ जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है शरीर को, कहीं से भी हड्डियां हिलने लगती हैं, दर्द होने लगते हैं, तमाम सारी चीजें होती हैं, इसीलिए कहा। और जब ये चरखा नया बना था हर कोई हरसाए, सोए अब ये चरखा हुआ पुराना, ठोकता हले हले जाए उम्र कोई सारी, चरखा बल खाए गयो रे, सुगर का तनहारी। अरे जा चरखा में धुंधू बोले धुंधू लखे लको। जब हम जवानी होती है पूरे शरीर में, हम कुछ काम करते हैं तो अंदर से मन से आवाज आती है कि भाई कुछ तो गलत कर रहा है, कुछ तो सुन ले, लेकिन हम नहीं सुनते। बहुत सारे कारण हो सकते हैं उसके, हम उस समय मन की नहीं सुनते, तो आवाज आती है अंदर से, धुंधू होती है कि भाई तू गलत कर रहा है, रुक जा, लेकिन हम नहीं सुनते। इसीलिए कहा कबीर साहब ने, जा चरखा में धुंधू बोले धुंधू लखे न कोई, रामा धुंधू लखे न को, सोई धुंधू लखी कबीर ने रे, आवागमन ना हो, छूटे जाए संसारी, चरखा बल खाए गयो रे, सुगर का